Since past few months, I had the honor to make videos of few among many artists of Chamba. These artists have been urging state government of Himachal to protect their treasure of art. So, I decided to look into government's efforts. From time to time, government has stepped in with the latest project of government titled Chambyal Project. This project is under District Rural Development Agency and under the responsibility of Director cum Project Officer Shri Chandavir Singh. This project serves many purposes like to revive traditional dyeing craft of Chamba through value addition in collaboration with renowned organizations already working in this field, to ensure livelihood of the people associated with these art and craft, to provide international market to the art and craft of Chamba. I also extend my heartfelt thanks to Honorable Deputy Commissioner of Chamba, Shri D.C. Rana, and Director cum Project Officer, Shri Chandavir Singh, who spared their precious time to help us know more about the Chambyal project. मेरा नाम डीसी राणा है, मैं उपायुक्त चंबा हूँ। चंबा जिला अपने क्राफ्ट्स और धातु वस्त्र शिल्प और जो चंबा रुमाल, चंबा थाल, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए फेमस है और इनको समय समय पर सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। अभी भारत सरकार के सहयोग से एक चंबियाल प्रोजेक्ट हम चंबा जिला में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें चंबा जिला के जितने भी क्राफ्ट्स हैं, मुख्य तौर पे चंबा रुमाल है, चंबा थाल है, इसके अलावा जो बाकी मेटल क्राफ्ट्स हैं या चंबा चप्पल है या दूसरे हैंडी क्राफ्ट हैं, उनको प्रमोट करने का हमारा प्रयास है उस प्रोजेक्ट के माध्यम से। इसमें मुख्य तौर पे जो कार्य प्रोजेक्ट के तौर पे हो रहे हैं, उसमें एक तो हम जो हमारे पर्यटक स्थल हैं डलहौजी खजियार, वहाँ पे एग्जीबिशन सेल सेंटर कम डिस्प्ले काउंटर्स बना रहे हैं, जहाँ पे लोग जो हैं चंबा के जो प्रोडक्ट्स हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के, उनको देख भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। इस तरह का एक एग्जीबिशन कम सेल सेंटर हमारा जो हमारा फेमस पर्यटक स्थल है खजियार, वहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है और लोग वहाँ पे आते हैं काफ़ी संख्या में। एक इसी तरह का सेंटर जो है वो डलहौजी में जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है उसके ऊपर बन रहा है। हमारा जो म्यूज़ियम है चंबा का, वहाँ पे एक डिज़ाइन क्लिनिक बन रहा है, जहाँ हम NIFT के साथ इन जितने भी हमारे क्राफ्ट्स हैं उनको अच्छा बेहतर करने के लिए, उनके नए डिज़ाइन बनाने के लिए उनके साथ काम करेंगे। इसके अलावा जो रंग महल है चंबा का, जो क्राफ्ट सेंटर के रूप में जाना जाता है, उसको भी हम रेनोवेट कर रहे हैं और वहाँ पे भी इसी तरह का एग्जीबिशन कम सेल सेंटर हम बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में इस कार्य के अलावा जो जितने भी हमारे लोअर लोग हैं जो चंबा आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ना चाहते हैं, जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनको उनका प्रशिक्षण भी जो है आयोजित किया गया है। और इसके साथ साथ हम NIFT के साथ भी और कार्य करने की प्रयास कर रहे हैं, जो आर्टिजन्स हैं उनको कुछ मशीनरी देने का भी प्रपोजल है, जिसकी प्रक्रिया जो जारी है। चंबा चप्पल काफ़ी ऐतिहासिक है और उसके इतिहास के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हमने एक चंबा चप्पल का एक बॉक्स जो है वो डिज़ाइन किया है। अभी जो चप्पल है वो सिंपल पेपर में रैप होके एक कैरी बैग में जाती है, तो प्रॉपर एक बॉक्स में उसको भेजा जो है लोगों को बेचा जाए, उसको डिज़ाइन करके भी लगभग 10,000 बॉक्सेस हमने जो चंबा चप्पल से जुड़े लोग हैं उनको दिया है। एक और कार्य जो इस प्रोजेक्ट में हमने किया है, जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं उनके ट्रेड के हिसाब से, उनके क्राफ्ट्स के हिसाब से, उनको समूहों में जो है ऑर्गेनाइज किया, उनकी सोसाइटीज़ रजिस्टर हुई हैं और एक सभी को मिला के एक अपेक्स सोसाइटी बनी है, जिसका नाम भी चंबा आर्ट एंड क्राफ्ट प्रमोशन सोसाइटी है। जितने भी हमारे एग्जीबिशन कम सेल सेंटर हैं वो ये सोसाइटी चलाएगी और आने वाले समय में ये सोसाइटी जो है चंबा के जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट हैं उनको प्रमोशन का कार्य करेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी कार्य योजनाएँ हैं जिनके कार्य चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम चंबा के जितने भी क्राफ्ट्स हैं उन सबको और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, ताकि लोगों की आजीविका जो है बढ़े और ये जो यहाँ के जो अच्छी चीज़ें जो यहाँ बनती हैं उसके बारे में पर्यटक भी जानें, लोग भी जानें और खरीदारी भी करें और यहाँ का जो लोगों पर जो आजीविका है, रोज़गार है, उसके साधन भी बढ़ें। नमस्कार, मैं चंद्रवीर सिंह,
डिप्टी डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कम प्रोजेक्ट ऑफिसर चंबा। आपके साथ कुछ विचार साझा कर रहा हूँ जिसमें हमारा ये जो प्रोजेक्ट है चमयाल प्रोजेक्ट, इस चमयाल प्रोजेक्ट में बेसिकली जो हमारी कोशिश रही है या जो हमारी मंशा रही है वो है यहाँ के लोकल आर्टिजन्स को, लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट को, और जो जो भी लोकल है जो कि एक कला बहुत वर्षों से सहेज के रखी गई है उसी के ऊपर काम करने का था, और उसी के ऊपर ये फंडिंग हमने करनी थी, उनको सपोर्ट करना था, उनकी कला को, उनके सिस्टम को, उनके तरीके को इम्प्रोवाइज करके, इनोवेट करके इम्प्रोवाइज करना था। तो जहाँ तक ये प्रोजेक्ट का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही लगभग इस प्रोजेक्ट को 2 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके आया था, क्योंकि चंबा का एक बहुत लंबा चौड़ा एक कल्चरल हेरिटेज रहा है, इतिहास रहा है, उसी के आधार पे ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, और सेंटर से 1,10,00,000 रुपए सेंक्शन हुआ था जिसमें से 90,00,000 रुपए हमारे पास आया था। हमारे पास कहने का मतलब कि इस प्रोजेक्ट का नोडल ऑफिसर मैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारे ही काम करने का अधिकार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद मी। तो इसमें जो मेन काम किया गया है, मैं अगर आर्टिजन्स को क्लासीफाई करूँ तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ वर्ल्ड फेमस चंबा रुमाल यहीं पे बनते हैं, तो चंबा रुमाल के ऊपर काम किया गया, स्टोन कार्विंग पे काम किया गया, यहाँ के मेटालिक जो आर्टिजन्स हैं जिसमें चंबा थाल जो है वो वर्ल्ड फेमस थाल हैं उनके ऊपर काम किया गया, फिर यहाँ की चंबा चप्पल, उनका भी एक इतिहास रहा है, वर्ल्ड फेमस चप्पल्स हैं, उनके ऊपर काम किया गया। थोड़ा सा तफसील में या थोड़ा डिटेल में बताते हुए मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि काम तो पहले भी हो रहा था, हमने ऐसा क्या काम, उनके जैसे हमारे पास पैसा आया था तो यहाँ पे लगातार प्रोफेशनल्स के माध्यम से, जैसे आर सेट्टी है हमारे पास, या फिर म्यूजियम है, आर्ट एंड क्राफ्ट की गैलरी है, हैंडलूम्स नाम की संस्था है, इनके माध्यम से सब आर्टिजन्स को इकट्ठा करके उनकी ट्रेनिंग करवाई गई। जो यहाँ के बड़े एक्सपर्ट लोग हैं जिनको पहले बड़े बड़े यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, उनके माध्यम से नए आर्टिजन्स की, नए काम करने वालों की, नए शिल्पकारों की एक नई खेप तैयार की गई, एक नई पौध तैयार की गई, उनको अलग अलग ट्रेनिंग्स के माध्यम से इस चंबा से कहीं ये कला विलुप्त ना हो जाए, इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमने बहुत से नए बच्चों को हम कह सकते हैं तैयार किया। और जो पुराने लोग थे जिनको कुछ मुश्किलात आ रही थी कि जैसे मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, जैसे माना चंबा थाल बनाने हैं आपने तो आपको बड़ी हाई क्वालिटी की पीतल चाहिए, वो पीतल उनको हमने उस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त हुए फंड के माध्यम से उनको दी। जैसे अभी जो यहाँ वर्ल्ड फेमस आपके लेदर वर्क्स हैं, चंबा चप्पल बिकती है, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, आजकल ज़माना प्रेजेंटेशन का है, अंदर चाहे चीज़ कुछ भी हो, बाहर डिब्बा बड़ा खूबसूरत चाहिए तभी लोग उनको खरीदते हैं, अमेजन पे या बाकी चीज़ों पे तभी उसको देखते हैं। तो हमने फिर यहाँ पे लगभग 2,00,000 रुपए के अलग से उन जूतों की पैकिंग के लिए डिब्बे बनाए जिसमें कि चंबा का एक तरह से हमने ट्रेडमार्क तैयार किया, चंबा चप्पल, चंबा ये करके, और वो हमने फ्री में दिए हैं यहाँ पे लोगों को। जो लोग उन चप्पलों का काम करते हैं या चंबा के उन शूज़ का काम करते हैं उनको वो हमने डब्बे, 10,000 डब्बे यहाँ पे जो जिला आर्ट एंड क्राफ्ट प्रमोशन कमेटी है उसके माध्यम से हमने लोगों को वो डिब्बे भी बांटे हैं कि वो जब भी चंबा चप्पल या चंबा जूता बेचें तो वो कम से कम उसके माध्यम से बेचें, हमारा वो डिब्बा उसमें, उस डिब्बे में वो मौजूद हों ताकि हम इस चीज़ को और ज़्यादा एडवर्टाइज कर पाएँ और लोगों का ध्यान जाए। अगर आप अमेजन पर भी ये चीज़ खरीदना चाहें तो वो चीज़ प्रॉपरली दिखे। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें एक आर सेटी बोलते हैं, एक वो ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आपका सबसे बड़ा आपका चंबा म्यूजियम है। इस ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए या एक इंस्टीट्यूशन समझ लीजिए, इन्होंने भी एक्सपर्ट्स हायर किए जिनको कि अवार्ड्स प्राप्त हैं, उनके माध्यम से फिर ये ट्रेनिंग करवाई। जैसे हैंडलूम्स है, सरकारी संस्था है जो कि प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, उन प्रोफेशनल्स को रेम्यूनरेशन दिया जाता है, उसमें रेम्यूनरेशन फिक्स किया गया कि जैसे एक मास्टर ट्रेनर है जिसके पास पूरी एक तरह से रेकग्निशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि भाई तुझे ये पुरस्कार दिया जाता है इस क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य करने के लिए, इतने बड़े कलाकारों को हमने सिखाने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉय किया था और उनको एक ट्रेनिंग का 15,000 रुपीज़ हमने दिया। हमारे पास एक प्रोजेक्ट और है, बनबंधु प्रोजेक्ट, उसमें हमने एक ऑनलाइन ऐप
के लिए हमने एक टेंडर किया है काफी, और उसमें वो टेंडर हमने पास भी कर दिया है। अब मैं उसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि उसमें जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो इस तरह से है कि जो उस ऐप को बनाएगा वो पूरी अमेज़न की तरह बनाएगा और बनाएगा सिर्फ चंबा के प्रोडक्ट्स के। तो अभी तक हम इंटरनेशनल मार्केट में, जहां तक यहां की मेटल क्राफ्ट्स का वर्क था का सवाल था, यहां का सामान फॉरेन की मार्केट में बिकता है, पर वो बिकता है जो कि यहां की पीतल की और कांसे की मूर्तियां होती हैं जिनकी कीमत 1,00,000 से 50,00,000 तक की होती है। उसको खरीदने वाले लोगों की मार्केट बड़ी कम है, चूजी हैं वो लोग ना, इतनी ज़्यादा कॉस्ट कोई खरीद भी नहीं सकता। इस पर भी मूर्तिकला पे भी हमने काम करवाया है। तो हमने इन दो प्रोजेक्ट्स को उस माध्यम से जोड़ने का भी सोचा है कि अगर हमारी ये ऐप बन जाती है, बन के जाती है, टेंडर हो गया, बनेगी, हमने सस्टेन करना है इस चीज़ को 3 साल तक, बिल्कुल अमेजिंग तरह की ऐप होगी। ये तो कुछ अभी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे सेटल नहीं हो पाए हैं कि जैसे कुरियर सर्विस किसकी होगी, वेयर हाउस हम कहाँ पे बनाएंगे, सामान कैसे आएगा या कैसे जाएगा, इन चीज़ों पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। फिर उस ऐप के माध्यम से हम अपने चंबा के प्रोडक्ट्स को एक इंटरनेशनल पहचान, जो कि पहले से है लेकिन उसको थोड़ा और, उसका स्पेक्ट्रम थोड़ा और ब्रॉड करने का जो हमारा विचार है उस तरह से। तो दूसरी भी खुल गई है, खजियार में खुल गई है, एक हमने म्यूजियम में खोल दी है, जिसमें डिजाइन कम क्लिनिक गैलरी के लिए हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कांगड़ा निफ्ट के साथ हमने MOU साइन किया है, और उन्हीं के माध्यम से इस चीज़ को थोड़ा ना इनोवेट किया जाएगा। हमारी चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी शानदार, लेकिन नए ज़माने की टेक्नोलॉजी को उसके साथ जोड़ने के लिए हमने निफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो अब निफ्ट इस प्रोजेक्ट की स्टडी करने के लिए 3 या 4 दिन बाद उनका पूरा इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ रहा है अपने प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को लेके, वो फिर इसमें थोड़ा और वर्कआउट करके बताएंगे कि इन चीज़ों को और किस तरह से, किस तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो डिज़ाइन कम ये क्लिनिक जिसको आप बोलते हैं गैलरी, वो हमारी 4-5 है, एक खजियार में है, एक डलहौजी में भी खुल गई है, और जो सबसे जहाँ पे निफ्ट अपनी एक्सपर्टीज को सबके साथ शेयर करेगा वो आपकी म्यूजियम में हमने खोल दी है। आप जब भी वक्त मिलेगा एक नज़र आप वहाँ के आ जाए। जिसमें ऐप की बारे में आपके साथ चर्चा कर रहा था, उस ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन भी ईजिली बिकेगा, अब भी बिकता है, लेकिन वो ऐप हमारी इंडिजिनियस होगी, हमारी यूँ कहिए कि उसमें हमारा एक तरह से कॉपीराइट होगा कि उस ऐप पे हमारे ही चंबा के ही प्रोडक्ट्स बिकेंगे। बाद में अगर ये ऐप बहुत कामयाब होती है तो हम और चीज़ों को भी उसमें कलाबरेट डाल सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन हमने स्पेशली चंबा प्रोडक्ट्स के लिए ये ऐप बनवाने के लिए टेंडर किया है। तो वो तो फिर पूरे नॉर्म्स बनते हैं, जैसे माना 10 रुपये की चीज़ है, आर्टिस्ट ने 10 रुपये में बेची, तो 10 मतलब उसने कीमत फिक्स कर दी 10 रुपये, लेकिन उसमें GST भी पड़ेगा। एक चीज़ वो आ गई, माना 11 रुपये हो गई या 11.5 रुपये हो गई, अब उसमें कुरियर कंपनी का चार्ज भी पड़ेगा। अब ये मिलाते जुलाते माना 10 रुपये की चीज़ होगी 13 रुपये, आर्टिस्ट को तो 10 रुपये मिलेंगे लेकिन बाकी 1 रुपया कुरियर का लगा दीजिए, 1 गवर्नमेंट का लगा दीजिए, बस यही है। बाकी हम इसमें से कमाई का हमारा नहीं हिस्सा होगा, हम तो सरकार है, हमने तो इस चीज़ को एडवर्टाइज करना है, जो चीज़ बेहतर है वो बिकती है। मैं थोड़ा सा एलैबोरेशन पे जाता हूँ कि माना हमने 200 लोगों को ट्रेन किया, इतना आप भी इस चीज़ को मानेंगे कि 200 में से 200 लोगों ने ही कोई बहुत दिल लगा के नहीं सीखा हो, लेकिन उसमें से 10-12 बच्चे या हो सकता है 30-40 बच्चे ऐसे हों जिन्होंने आज की डेट में उसी काम को करते करते उन्होंने अपना हाथ इतना साफ कर लिया हो कि बाई डिफ़ॉल्ट ही उनकी चीज़ जो है वो बहुत फाइन हो गई, बहुत बढ़िया हो गई। अब उनकी चीज़ हम इन आर्ट गैलरीज में भी रखेंगे, जब चीज़ बढ़िया होगी तो जो बाहर से आने वाला व्यक्ति है आर्ट गैलरी में रखी वस्तु को अवश्य खरीदेगा, तो उसकी रॉयल्टी या पैसा जो है सीधा उस बनाने वाले को जाता है। और आप भी जानती हैं कि इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो चंबा रुमाल 1-1,00,000 रुपए में भी बिकता है, गिफ्ट जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ किसी आर्टिस्ट ने बना के रखी होगी जो कि सचमुच ही काबिल तारीफ है तो वो चीज़ बिकेगी। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने इतने मन से नहीं सीखा और उस चीज़ को वो इतना फाइन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कम से कम उन्होंने चंबा की कला को जिंदा रखने का एक जरिया तो बनाया। कल को वो अपने अपने अगली जनरेशन को बताएंगे, अपने पड़ोसी को बताएंगे या दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जाके अपनी कला को शेयर करेंगे तो चंबा कला तो जिंदा रहेगी, नाम तो रहेगा, नाम अपने आप में ही बहुत होता है। अगर स्टूडेंट की ऐसी कलेक्शन और हो जाती है तो हम उनको म्यूजियम के माध्यम से, RCRT के माध्यम से फिर से सिखा सकते हैं, ऐसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि
अब बहुत से ट्रेंड बच्चे हैं हमारे पास जो कि हमारे माध्यम से हमारे रेवेन्यू से बच्चे को सीखते हैं, तो जब नए लोग सीखना चाहते हैं तो हम उन्हीं की ड्यूटी लगा देते हैं कि इनको भी सिखाओ स्टूडेंट्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आज की डेट में अगर आप चंबा में कई घरों में जाएंगे तो लोग घर घर में बैठ के इस कला को सिखा रहे हैं, उनको जिंदा रखा हुआ है, हमने उस चीज़ को थोड़ा एडवर्टाइज भी किया हुआ है। मैं आप एक एग्जाम्पल दूंगा, दूर की क्या बात है, अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी आई थी तो उन दिनों क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर उस उन्हीं के माध्यम से जो बच्चे पहले सीख के गए थे उन्हीं के माध्यम से वो बेटी को चंबा रुमाल सिखाए, एक महीने रह के गई वो चंबा रुमाल ही सीखने के लिए, तो इस तरह से प्रोविज़न तो है। अब जो हमने जो डिज़ाइन कम आर्ट गैलरी या क्लिनिक्स बना दिए हैं उनका कार्य सिर्फ यही नहीं रहेगा कि वो मतलब चीज़ों को बेचें, वो ज़रूरत पड़ने पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनको हम फैसिलिटेट किसी भी माध्यम से करेंगे, उसमें मतलब जिम्मेवारी हमारी है। और वैसे तो चंबयाल प्रोजेक्ट अब क्लोज हो रहा है क्योंकि इसके लिए जितना भी पैसा आया था वो लगभग इन्हीं ट्रेनिंग्स में यूटिलाइज हो गया है, लेकिन फिर भी हम सरकार को लिखेंगे कि अभी हमें करने को बहुत कुछ रह गया है, तो कृपया आप कुछ और ट्रेनिंग्स के लिए अगर पैसा भेज सकते हैं तो भेजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं मान जाते हैं कि अगर आपने इतना पैसा खर्च कर दिया और इतनी ट्रेनिंग्स अगर आपकी हो गई तो आप आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, गवर्नमेंट पे है तो इतना मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी डीसी साहब ने एक नया रंग महल का प्रोजेक्ट दिया है, उसमें भी हम इन्हीं चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसमें भी हमने वैसे ही पैसे की डिमांड रखी है बहुत जगह से। तो नाम चंबयाल ना हो सकता है अगले कुछ वक्त के बाद किसी और नाम से प्रोजेक्ट आएगा और उसमें चंबयाल की इन इंडिजिनस चीज़ों को फिर से सिखाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट्स कभी भी ख़त्म नहीं होते, मैं खुद देख रहा हूँ 2005 से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चले हैं इन चीज़ों को, कभी फसलों को लेके या कभी चंबा के आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके, ये चलते रहेंगे और ये चलते रहेंगे, नाम चेंज होते रहेंगे लेकिन चीज़ को जिंदा रखने के लिए जो जिला प्रशासन है वो इनमें हमेशा कार्यरत है। जहाँ तक एक प्रोजेक्ट के फ्यूचर का सवाल होता है, प्रोजेक्ट का फ्यूचर कभी नहीं होता, फ्यूचर उस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों का होता है। प्रोजेक्ट तो एक तरह से माध्यम है, प्रोजेक्ट एक तरह से एक माध्यम है किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, और प्रोजेक्ट को हम शब्द जो इस्तेमाल किया है खत्म नहीं, प्रोजेक्ट अपना कार्य करके आगे निकल गया, नया प्रोजेक्ट आएगा। बात तो है चंबा के कला और संस्कृति को जिंदा रखने की, ये चंबयाल प्रोजेक्ट उसको एक संजीवनी दे के अब जाने की तरफ, अगली संजीवनी फिर से आए, और एक वक्त ऐसा होता है कि उस कला को संजीवनी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद ही ऑक्सीजन जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। एक बार जब ये प्रोडक्ट्स अच्छी तरह मार्केट में बिकना शुरू हो जाएंगे, जब इनको जो इंटरनेशनल पहचान जो पहले से है जब ये थोड़ी और बढ़ जाएगी, तो हमें प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। एक बार गाड़ी स्टार्ट करके उसको चलाने की देरी होती है, फिर तो पाँचवें गियर में ही चलती है ना गाड़ी, लेकिन शुरुआत पहले गियर से की जाती है। बच्चा बड़ी गाड़ी तो कोई छोटा मोटा गेयर गाड़ी को आगे अपने गंतव्य तक पहुंचाने में कामयाब होता रहेगा, दैट्स नॉट अ बिग इशू। जब तक क्राफ्ट्समैन को एक प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिलता तब तक उसकी हेल्थ, इतना आप भी मानेंगे जो कलाकार होते हैं वो थोड़ा सा अपनी मर्जी के मालिक भी होते हैं, थोड़ा भावुक भी होते हैं, इमोशनल होते हैं, थोड़े मतलब यूँ समझिए कि थोड़ा सा उनका नेचर जो है, जो उनका इनर वॉइस है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो उनकी हेल्प करने के लिए उनके साथ लगातार बैठना पड़ता है कि भाई आप अपनी समस्याएं बताएं। मैं आपको ये उदाहरण देना चाहूंगा, कुछ दिन पहले यहाँ एक मूर्तिकार आया था, उसने कहा कि मैं इतनी अच्छी अच्छी पत्थर की मूर्तियां बनाता हूँ और यहाँ बिकती नहीं है मेरी, और वो मूर्तिकार महोदय थे भी थोड़े मतलब वो भावुक कह लें या इमोशनल कह लें, तो हमने कहा बोल भी थोड़ा डरा के रहे थे कि कौन ये इतना काम करना पड़ता है, कोई नहीं खरीदता। फिर हमने उसकी मदद के लिए जो खजियार में हमारी आर्ट गैलरी है उसको वहाँ पे बाहर काम करने की हमने इजाज़त दी कि वहाँ जब तू बैठेगा अपना वो पत्थर का काम करेगा तो लोग ये भी देखेंगे कि कार्य एक्चुअल में होता किस तरह से है, तो गाहे बगाहे उसका कोई ना कोई पीस बाहर से आने वाला टूरिस्ट लेके चला जाएगा। आज कोई चीज़ होनी चाहिए, खरीदने वालों की कमी दुनिया में कोई, पैसे की तो आप भी जानते कि कोई कमी नहीं है, तो हमने एक तरह से उसकी उस तरह से हेल्प की कि उसके काम को उसके कार्य को हमने एक्सपोजर दिया। एक एक मूर्ति उसकी 15-15, 20-20 हजार की थी,
महीने में कहीं गलती से 3, 2 या 1 मूर्ति भी अगर बिक जाती है तो उसको अपने आप में ही प्रोत्साहन मिलता है। एक कलाकार को ना वैसे पैसे का इतना लालच नहीं होता, उसका उसको लगता है कि उसकी कला की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन बिना पैसे के सिर्फ कला भी आजकल पेट तो भर नहीं सकती, बीवी बच्चे और सबका ये बोझा उठाने के लिए चीज़ बेचनी भी पड़ती है। तो जब तक आप किसी भी कला को एक्सपोजर नहीं देंगे तब तक कोई भी प्रोजेक्ट उसको हेल्प नहीं कर पाएगा, जब तक उस प्रोजेक्ट की मंशा ये ना हो कि हमने इसको एक्सपोजर देना है बाहर की दुनिया को दिखाना। अगर आपके पास कोई टैलेंट है और आपके बेडरूम तक ही सीमित है तो उसका क्या लाभ है? अगर आप बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाते हैं और किसी का लाभ नहीं या फ़ायदा नहीं दिलवा पा रहे हैं तो उसका कोई वो नहीं। अगर आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है और आप किसी पड़ोस में बच्चे को ग्रो इंग्लिश नहीं सिखा पा रहे हैं तो उसका लाभ कोई नहीं है। बात सारी एक्सपोजर की। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मोर को तो बाहर आना पड़ेगा ना। चाहना एक अलग चीज़ है लेकिन उसका फलीभूत होना एक अलग चीज़ है। जो इस प्रोजेक्ट की मंशा थी कि इस कला को बढ़ावा देके कला को थोड़ी ऑक्सीजन देनी, उसमें तो ये प्रोजेक्ट लगभग कामयाब रहा है। परंतु मैं चाहूंगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स और आते रहें, क्योंकि 1 करोड़ रुपया एक बड़ी छोटी चीज है। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से इस प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ रुपया मिला था। 1 करोड़ रुपये में एक अमूल्य चीज को जिंदा रखना तो एक असंभव सा कार्य। एक आदमी छोटा सा मकान भी बनाता है आज की डेट में 1 करोड़ रुपये उस पर व्यय कर देता है, लेकिन पूरे चंबा की कला को जिंदा रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वर्कशॉप्स लगानी है, लोगों को बुलाना है, उनके दिमाग में ये चीज बतानी है, साथ में उनको ये भी समझाना है कि हम जो आगे कार्य करने जा रहे हैं उससे आपको आर्थिक रूप से मजबूती भी मिलेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को आज की डेट में बिना आर्थिक मजबूत बिना आर्थिक लाभ के वो तभी करता है, या तो वो भगवान का अवतार है या वो सन की है, अन्यथा आर्थिक रूप से तो यद्यपि मुझे ही कहा जाए कि मैं बिना तनख्वाह के यहाँ बैठ के काम करूं, बस सुबह शाम आपको खाना मिलेगा, तो मैं भी इतना कार्य कहाँ कर पाऊंगा। सुबह शाम का खाना तो कहीं भी मिल ही जाता है, भगवान भूखा उठा जरूर देता है, भूखा सुलाता कभी नहीं। तो जब तक आर्थिक रूप से हम किसी को संपन्न करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक किसी भी चीज को जिंदा रखना, भूखा कोई भी जिंदा नहीं रहता, चाहे वो कला है चाहे वो व्यक्ति है। चुप्याल प्रोजेक्ट के तहत चलने वाले काम तो मैंने आपको बता दिए, जिसमें यहाँ की कला के ही संबंधित काम थे, जिसमें हमने कई जगह रेनोवेशंस भी करवाई हैं। जैसे अगर आप रंग महल में गए तो बड़ी बुरी हालत थी पहले, चुप्याल प्रोजेक्ट के तहत ही हमने वहाँ पे उसकी पहले हमने रेनोवेशन करवाई ताकि वहाँ पे हैंडलूम्स लगाए जा सकें। फिर हमने हैंडलूम्स के लिए भी वहाँ 2.5 लाख रुपए दिया है, जिसको खड्डियाँ बोलते हैं हम, उससे वो हैंडलूम्स भी वहाँ पे सेटल किए जाएंगे। जहाँ जिसको सिविल वर्क बोलते हैं कि किसी जगह पे एक कार्यशाला को चलाने के लिए पहले आपके पास अच्छे कमरे होने आवश्यक है ना, पहले हमने उस पर काम किया, फिर वहाँ पे ट्रेनिंग्स को बुलाया, ट्रेनर्स को बुलाया, फिर उसके बाद ट्रेनिंग्स को बुलाया, फिर हमने ये लगातार कार्य किए। तो 1 साल में इम्पैक्ट तो काफ़ी रहा है, और इसी चीज़ की असेसमेंट करने के लिए इसकी मूल्य निर्धारण जिसको बोलते हैं, शब्द मेरे पास शायद हिंदी में सही ना हो, असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हमने निफ्ट को हायर किया है। तो निफ्ट 1-2 दिन में उनके प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, दे विल कम, देखेंगे कि चंबयाल का वास्तविकता में यहाँ के लोगों के ऊपर और यहाँ की कला के ऊपर कितना अधिक प्रभाव। कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से तभी सक्सेसफुल होती है जब 2 तरह के लोग होते हैं, काम करवाने वाला और दूसरा उस काम को करने की इच्छा रखने वाला। तो काम करवाने वाला हम सरकार को लेके चलते हैं, और जो करने की इच्छा रखने वाला है, मतलब सरकार का मैं भी एक भाग हूँ, करने की इच्छा रखने वाला जो हमारे शिल्पकार या कलाकार या जो आर्टिस्ट, और आर्टिज़न तब काम करता है जब उसको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। आज की डेट में कोई भी व्यक्ति आर्थिक स्थिति को अवश्य देखता है। तो मैं मतलब ऐसे मंशा या इच्छा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा मेरा विचार है कि जब हम पढ़ने जाते हैं ना तो अच्छे बच्चों को भी ना स्कॉलरशिप मिलता है। 5th के बाद स्कॉलरशिप का एग्जाम होता था हमारे वक्त, आज का पता नहीं है, 8th की बात होता था, 10th में मेरे हमको स्कॉलरशिप मिलता था। तो हमें लालच हो जाता था कि यार हर महीने 200 रुपया, उस वक्त 200 रुपया बहुत बड़ी बात है, हर महीने स्कॉलरशिप मिलता था तो मैं 6 महीने की स्कॉलरशिप से अपने लिए अच्छे जूते खरीद लेता था बिना अपने पिताजी को डिस्टर्ब किए। मतलब अच्छा काम करने का एक इनाम तो होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हमने लोगों को सिखाया है
तो कुछ किसी माध्यम से ये जो हमारे पुरस्कार दिए जाते हैं ये भी अगर थोड़ी इनकी कंटिन्यूटी बनती रहे, मतलब लगातार ये चलें एक तरह से कि आजीविका में भी कुछ जोड़ें, जब तक को व्यक्ति खुद आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो जाता अपनी कला के माध्यम से। यदि इस तरह की कोई स्कीम हो तो वो बहुत फायदेमंद है। देखिए माना आप ही को एक स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाता है, जैसे आपका UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, आदमी PhD करता है क्योंकि उसको हर महीने, आजकल तो मुझे नहीं पता कितना मिलता है, जब मैं कर रहा था हमें एक महीने का 5,000 रुपये मिलता था, बढ़िया था, 5,000 रुपये मिल रहा है, करते करते आप PhD कर लोगे, साथ में आप कहीं पे लेक्चरर या प्रोफेसर बन जाओगे। तो आपको PhD करने की प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि आपने, मतलब आपने PhD की कला को निखारने की प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि आपको साथ में स्टाइपेंड मिल रहा। इस तरह का कोई माध्यम हो कि कलाकार, जो एक अच्छा कलाकार है, जो डिजर्विंग कलाकार है, उसको वहां तक लेके जाएं हम सरकार के माध्यम से कि वो कल को खुद ही अपनी आजीविका बड़े अच्छे तरीके से कमा सके और लोगों को भी कमाने के लिए प्रेरित कर सके। Before you go, please don't forget to click that subscribe button. Goodbye.